फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट को मेरी कबूल करिए कि अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो इस 1.5 मिनट के छोटे से वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करिए, वरना आपके साथ भी ऐसा स्कैम हो सकता है। फ्रेंड्स, आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ये समझ सकते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस 1.5 मिनट के वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अभी ये कल शाम का वीडियो है और इसमें पहले वीडियो आप देख लीजिए, फिर आपको बताता हूँ। अब मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो ट्रेन के बगल में ये नीचे एक लड़का, आपको ऐसा लग रहा था कि ट्रेन के नीचे आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से इस वीडियो को फ्रेंड्स देखिए। हम अपने रूम पर थे फ्रेंड्स, जो कि ट्रेन की पटरी के बगल में ही हमारा रूम है। जैसे ही इस लड़के को देखा कि ये ट्रेन के आगे आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने ये देखा कि ये कहाँ जा रहा है, तो ये ट्रेन के किनारे खड़ा हो गया और एक मजबूत डंडा बगल से, डंडा समझते हैं आप सब लोग, मजबूत किनारे से एक डंडा उठाया और ट्रेन के किनारे खड़ा हो गया और जो भी यात्री जा रहे थे उनके हाथों में ये डंडा मार रहा था। फ्रेंड्स, अब आप क्या समझे फ्रेंड्स, मतलब ये है कि अगर कोई भी फ्रेंड्स यात्री अपना फ़ोटो वगैरह वीडियो बनाने के चक्कर में फ़ोन बाहर निकालता है तो ये उनके हाथों में डंडा मार रहा था। ट्रेन की स्पीड तेज हुई फ्रेंड्स और एक बार ये गिर गया, थोड़ा सा बचा था, वरना हादसा भी हो सकता था। लेकिन मानना पड़ेगा, मात्र 11 से 12 साल का बच्चा, इस तरह से स्कैम होता है ट्रेनों में। तो इसलिए इतना सा इस वीडियो के माध्यम से सूचना ये देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को बाहर निकालने की कोशिश मत करिए, वरना इस तरीके से स्कैम, इस तरीके से ट्रेन में लूटबाजी होती है।